हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन और आपका प्लेस ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज में बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस होते क्या हैं और टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइसेज कितने प्रकार के होते हैं। तो हाँ, ये इतनी बोरिंग भी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूँ जो टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज हैं तो मैंने इसको कैटेगराइज किया ताकि आपको इसके कैटेगरी वाइज समझ आ जाए कौन सा इनपुट डिवाइस कैसे वर्क करता है और वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियो अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा टू अ कंप्यूटर अलाउंग यू टू इंटरेक्ट एंड कंट्रोल इट। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है। कोई भी एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो आपको हेल्प करता है कि आप जो है ना अपने कंप्यूटर में डाटा सेंड कर सकें, ताकि डाटा सेंड करने के साथ साथ ये भी हो जाए कि आप उस डाटा के साथ, उस कंप्यूटर डाटा फीडअप करने के साथ साथ ही उसका इंटरेक्ट भी कर सके और उस अपने डाटा को कंट्रोल भी कर सके, कोई भी फंक्शन कैरी आउट करने के लिए, नॉट डाटा बट किसी भी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ आपको, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच हेल्प यू टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, इनपुट डिवाइस जो है ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि हम जो है अपना डाटा जो है कंप्यूटर्स में एंटर कर सकें। या सिंपल एक सिंपल आपको लैंग्वेज बताऊँ तो इनपुट डिवाइसेस जो है एक एंट्री पॉइंट होते हैं आपके डाटा को फीडअप करने के लिए। एंट्री पॉइंट, जैसे एक अगर मैं घर का एग्जांपल लूँ तो घर में जो है जो दरवाज़ा होगा ना आपको एंट्री करने के लिए, अंदर करने जो एक दरवाज़ा जो होगा आपका घर में एंट्री करने के लिए जो है वो एक एंट्री पॉइंट होगा, उसको हम इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं जिसके थ्रू हम अंदर जा रहे हैं, अपनी एंट्री ले रहे हैं। तो इससे मैंने बताया हम इसमें टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे इनपुट डिवाइसेस जो है कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट, डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो हमारे पहला जो हमने कैटेगरी मैंने रखी है इसमें है डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो हमारे इनपुट डिवाइस के अंदर पहला जाता है डाटा एंट्री डिवाइस। तो हमारा डाटा एंट्री डिवाइस सबको पता है कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड क्या होता है, एक डिवाइस होता है, एक पैनल होता है जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ करेक्टर कीज, जिसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स आ जाती हैं, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज़ होगी, न्यूमेरिक कीज़ होगी वगैरह वगैरह, जो भी इसमें कीज आ जाती हैं। अगर आपको बेसिक लेआउट जानना है कीबोर्ड का, इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी अगर आप जानना चाहते हैं। अभी सिर्फ हम एक अपने इनपुट डिवाइस के बारे में भी ध्यान रखना है। कीबोर्ड इज़ ए टाइपराइटर लाइक डिवाइस विच यूज टू टाइप लेटर्स, डिजिट एंड कमांड। ऑफकोर्स अगर कीबोर्ड में जो है इतने सारे बटन्स होते हैं तो एक इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम अपने लेटर्स, डिजिट्स, नंबर, कमांड्स टाइप कर सकें। तो मैं आपको बता दूं इसी के साथ साथ जो है हमारा कीबोर्ड जो है बहुत यूज़ेबल और यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है। ये बेसिकली हम जो है ये क्या है, क्वार्टी कीबोर्ड वाला लेआउट फॉलो करता है, QWERTY वाला फॉर्मेट यूज़ करता है। और ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर भी आता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के पास बेसिकली हमारे 104 कीज़ होती हैं। तो अगर आप कभी भी अगर क्वेश्चन आए ना स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज़ होता है, आप आँख बंद करके बता दीजिए कि 104 कीज़ होती है हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। हाँ, और बहुत तरीके के हमारे जो है कीबोर्ड अवेलेबल है मार्केट में, पर ज़्यादातर यही वाले कीबोर्ड यूज़ होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, मोस्टली यही यूज़ होते हैं। सेकेंड टाइप होगी पॉइंटिंग डिवाइस। सेकेंड यूज होगी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस। ऐसी कौन सी होती हैं, तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस जो है माउस है। माउस जो हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउ यूज़र टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन स्क्रीन। तो ये क्या करता है, यूज़र को इस लाइक बनाता है कि वो जो है ना अपने स्क्रीन पे स्पेसिफिक पोजीशन पे जो पॉइंट कर सके। इट हैज़ रोलर ऑन इट्स बेस। तो इसके बेस में अगर आप देखें तो एक रोलर होता है। तो आपने हर पर्सन ने जो है माउस को यूज़ किया होगा। तो ये रोलर क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप जो है ना पॉइंटर की जो मूवमेंट है ना कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन में। जब आपका जो है माउस जो है इसे फ्लैट सरफेस में रखे मूव करता है, जो आपको स्क्रीन में कर्सर जो है उसी हिसाब से मूव करता है जहाँ पर आपकी माउस की मूवमेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये कैसे वर्क करती है, ये दो प्रिंसिपल के बेसिस में क्लिक करती है वर्क करती है। एक तो है पॉइंट और क्लिक। जब भी आपको किसी भी ऑप्शन को या कमांड को कैरी आउट करना है आपको पहले इस पर पॉइंट करना पड़ेगा फिर क्लिक करना पड़ेगा। विदाउट पॉइंटिंग एंड क्लिक के विदाउट इट पॉसिबल है किसी भी काम को कैरी आउट करने के लिए।
नेक्स्ट अदर मैकेनिकल डिवाइस, तो हमारे बाकी मैकेनिकल डिवाइस में सारे वो डिवाइस आते हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। सॉरी इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि माउस भी हमारे एक तरह से मोस्टली कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर के इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकें, सच एज टेक्स्ट और ग्राफिक्स, सॉरी टेक्स्ट और फोटोग्राफ। स्कैनर क्या करता है, आपके क्या करता है कि आपके स्कैन पेज को क्या करता है, वो किसी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में है या हैंड रिटन फॉर्म में है, वो डिजिटल फॉर्मेट में रखकर आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा। नेक्स्ट MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये क्या करता है, ये किस इसके लिए जरूरत है, आपके पेपर डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी को चेक कर सके कि हाँ ये ओरिजिनल है या नहीं। इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होता है, आपके बैंकिंग टर्म में, तो आपके बैंक सॉरी बैंकिंग टर्म में नहीं सॉरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंक में कैसे जो एवरीडे जो है आपके बैंक में चेक प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका MICR कोड लिखा होता है, जो जो है ना जो MICR कोड जो है वो एक स्पेशल टाइप की पार्टिकल्स कंटेन करता है, मैग्नेटिक मटीरियल, जो कि ये MICR की हेल्प से ही रिडेबल हो पाते हैं, ज़्यादातर यूज बैंकिंग इंडस्ट्री में है। अगला OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये किस लिए होते हैं, इसको हम मार्क सेंसिटर भी बोलते हैं। मार्क सेंसिटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मार्क हमारे पेपर में बना होता है ना, इजीली सेंस करके रीडर करके रहता है, वो सेंसली सेंस करके उसको माप के आपको रीड करके बता देता है। ये डिवाइस होता है इस तरह का जो सिर्फ क्या कौन सी रीड करता है, जो आपने उस पेपर में मार्क किए होंगे विद द हेल्प ऑफ पेन और पेपर। ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, आपके टेस्ट में, जैसे सच एप्टीट्यूड टेस्ट आपने देखे होंगे कि जब आप स्कूल में होते हो तो बाहर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन आती है आपको टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, अपने कॉलेज में एडमिशन की एंट्री करने के लिए। बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर क्या होता है, बार कोड रीडर जो है एक फोटो इलेक्ट्रिकली स्कैनर है, तो क्या करते हैं आपके प्रोडक्ट के बीच में जो है एक वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप लाइन दी होती है जो उसको रीड करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट के पीछे प्रिंटेड होते हैं। तो ज़्यादातर ये यूज होते हैं हमारे बुक शॉप्स में और सुपरमार्केट्स में। सुपरमार्केट्स क्या करती हैं, एक बार कोड सिस्टम यूज़ करती है जिसे हम UPC बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ये क्या करते हैं, ये बार कोड रीडर क्या करती है, बार कोड क्या करती है, उस प्रोडक्ट को पहले तो आइडेंटिफाई पूरा स्कैन करती है, फिर बता देती है उसके डिस्क्रिप्शन के बाद बारे में, प्लस उसकी जो प्रोडक्ट की लेटेस्ट प्राइस है। तो इसके हेल्प से बहुत इजी रहता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल पाना, प्लस उसका लेटेस्ट प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट का। तो ये POS पॉइंट ऑफ सेल्स को बताते हैं कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो अभी तक सिर्फ यहीं तक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को यूज़फुल होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।